सब्सक्राइब कीजिए जॉब अलर्ट गुरु को और इस घंटे के बटन को दबाइए जॉब से संबंधित वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट गुरु में। आज मैं आपको बताऊंगा आरपीएससी में इंजीनियर्स की जो भर्ती निकली है, 916 पोस्ट है, उनके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को अगर आप देख रहे हैं लाइक जरूर कर दें। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा नई विज्ञापन जारी किया है जो कि है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में वैकेंसी निकली है। कुल टोटल पद है 225 और दंडवत आरक्षण विशेष योग्य जन के लिए 7 पद है। LDCP सहायक अभियंता यांत्रिकी या विद्युत में कुल पद हैं 75। दंडवत आरक्षण विशेष योग्य जन 3 पद और पंचायती राज विभाग में सहायक अभियंता का टोटल पद है 4 और सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता का सिविल का है टोटल पद 307 और जल संसाधन विभाग सहायक अभियंता सिविल में है 302 और सहायक अभियंता अभियांत्रिकी में है कुल पद 3। क्वालिफिकेशन है पंचायती राज विभाग की जो वैकेंसी है उनको छोड़कर है BE होनी चाहिए, वो भी सिविल में या विद्युत में या यांत्रिक में। और पंचायती राज विभाग हेतु जो क्वालिफिकेशन है वो है डिग्री होनी चाहिए सिविल या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और रिकॉग्नाइज जो यूनिवर्सिटी है, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है, उनसे होनी चाहिए। और इसके लिए अनिवार्य योग्यता है पंचायती राज विभाग के पदों के लिए कि आपको हिंदी में काम करना आना चाहिए तथा हिंदी का पूर्ण नॉलेज होना चाहिए। और अनिवार्य योग्यता है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पदों के लिए और हिंदी में नॉलेज होना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए देवनागरी में और राजस्थान के कल्चर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें आपको खास ध्यान रखना है कि सिविल या विद्युत या यांत्रिकी ब्रांच के पदों के लिए संबंधित ब्रांच में उपाधि होनी चाहिए। जैसे जल संसाधन विभाग है तो सहायक अभियंता उसमें सिविल है तो सिविल का आपके पास, अगर जल संसाधन विभाग से भर रहे हैं तो आपके पास सिविल की डिग्री होनी चाहिए। आयु है वो है कम से कम 21 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष। और आवेदन की जो तिथि है वो है 30/4/2018 से 29/5/2018 तक। चलिए हम थोड़ा बहुत एग्जाम के बारे में बता देते हैं। एग्जाम में दो एग्जाम होंगे, एक एग्जाम होगा प्रीलिमिनरी एग्जाम और दूसरा होगा मेन एग्जाम। पहले एग्जाम में टोटल जो नंबर होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और 400 नंबर के होंगे। ए में पूछा जाएगा, कंपलसरी पेपर होगा जो जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज राजस्थान का जो ज्योग्राफी इकोनॉमिक जो कल्चर है उनके बारे में होगा 200 नंबर का और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। और सेशन बी में ऑप्शनल जो पेपर है उसमें सिविल इंजीनियरिंग आपको एक ही सिलेक्ट करना होगा। इसमें सिविल इंजीनियरिंग का 200 नंबर का है 2 घंटे का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है 200 नंबर का है 2 घंटे का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 200 नंबर का है 2 घंटे का और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो आप क्वालिफिकेशन में भरते हैं उसी हिसाब से आपका पेपर आएगा। मान लीजिए आपने सिविल से भरा है तो सिविल का 200 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे का होगा।
और जो मेन एग्जाम होगा उनके लिए है, कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे पेपर फर्स्ट में हिंदी और सेकंड में सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग, ये टोटल होगा 200 नंबरों का। और पेपर थर्ड होगा वो होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे, जो आपने सिविल या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या एग्रीकल्चर जो भी है वो होंगे, और आप जो भरते हैं क्वालिफिकेशन है वो टोटल नंबर का होगा, हर पेपर होगा 200 नंबरों का। और इसमें वाइबा भी होगा, जिसमें कंपलसरी जो पेपर है इसमें 40% नंबर आपको लाने ज़रूरी है, 40% के बगैर आप पास नहीं है। और मिनिमम जो अंक होंगे वो 35% हर सब्जेक्ट में आपको प्राप्त करने होंगे। और दोनों जो कंपलसरी पेपर हैं, जो पेपर फर्स्ट और सेकंड, उसमें आपको 40% नंबर लाना अनिवार्य है। इंटरव्यू होगा वो 72 घंटे के अंदर आपको बुला लिया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जो वाइबा होगा वो। इसमें नोट दिया गया है कि अगर आपके जो टोटल जो नंबर होंगे वो 50% होना ज़रूरी है। द कमीशन शैल नॉट बी रिकमेंडेड एनी कैंडिडेट फॉर द स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस हु हैज फेल्ड टू ऑब्टेन ए मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन द एग्रीगेटेड। अगर हर सब्जेक्ट में आपको 50% नंबर लाना है, अगर आप 50% नंबर नहीं लाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।